एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मनोविज्ञान की इस क्लास में। और आज की क्लास से हम एबनॉर्मल साइकोलॉजी या असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे। ऐसे प्रश्न जो कि आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, खासकर ऐसे बच्चों के लिए जिनका इस बार ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, अगर आपने सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पर आपको सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड समाज मनोविज्ञान से संबंधित आपको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक ऐसी मानसिक विकृति जिसमें रोगी चिंताग्रस्त तो रहता है परंतु उसकी गंभीरता इतनी अधिक नहीं होती है कि उसे मानसिक अस्पताल में रखकर उपचार कराया जाए, इस प्रकार की मानसिक विकृति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी मानसिक विकृति को साइकोन्यूरोसिस कहा जाता है, माना स्नायु विकृति कहा जाता है। इसमें यह होता है कि जो आपके डेली रूटीन से रिलेटेड, कई बार आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है या किसी बात को लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या जिससे आपका माइंड डिस्टर्ब हो रहा है और आपका फिजिकल वर्क भी डिस्टर्ब हो रहा है, डेली रूटीन भी डिस्टर्ब हो रहा है, बट इतना भी नहीं डिस्टर्ब हो रहा है कि आप अपने डेली रूटीन के कार्यों को ना कर पाए, मतलब डिस्टर्ब हो रहा है बट फिर भी थोड़ा सा लेट लतीफ़ करते हुए आप उन कार्यों को कर ले जा रहे हैं, तो ऐसी विकृतियों को न्यूरोसिस या साइकोन्यूरोसिस के अंदर रखा जाता है। इसके लिए आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ काउंसलिंग से ही काम चल जाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मानसिक विकृतियों के वर्गीकरण का सबसे उत्तम पद्धति है। वैसे तो मानसिक विकृतियों की जो वर्गीकरण है उसके लिए दो पद्धतियाँ सबसे मेन हैं, दो सिस्टम, पहला है ICD और दूसरा है DSM। ICD जिसका पूरा नाम इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है और इसका प्रकाशन WHO के द्वारा किया जाता है, और दूसरा है DSM जिसका प्रकाशन APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। DSM का पूरा नाम है डायग्नोस्टिकल स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। तो साइकोलॉजी की फील्ड में सबसे अच्छा जो सिस्टम माना गया है वो है DSM। तो यहाँ पर आप देखें, आपका जो पहला ऑप्शन है डायग्नोस्टिकल स्टेटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, ये यहाँ पर सही होगा। इन दोनों सिस्टम से रिलेटेड आपको वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप एबनॉर्मल साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर DSM और ICD दोनों से रिलेटेड आपको वीडियोस मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक रोगों का पहला वर्गीकरण तंत्र जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था वो किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो उसके लिए सबसे पहले कार्य किया था एमिल क्रिपलिन। आपका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, स्नायु विकृति केंद्रक न्यूरोटिक न्यूक्लियस किसे कहते हैं? तो न्यूरोटिक न्यूक्लियस वह होता है, हम उस चीज़ को कहते हैं या उस सिचुएशन को कहते हैं जब पर्सन की पर्सनालिटी ही पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाए, मतलब उसका लाइफ स्टाइल ही एकदम डिस्टर्ब हो जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो जो आपका ऑप्शन बी है जिसमें बताया जा रहा है कि इसमें रोगी एक ऐसा जीवन शैली अपनाता है जिसमें वह वास्तविकता का दोषपूर्ण मूल्यांकन करता है तथा तनावपूर्ण परिस्थितियों का मुकाबला ना कर वह उनसे दूर भागता है। तो ऐसी सिचुएशन जब होती है तो उसे न्यूरोटिक न्यूक्लियस की संज्ञा दी जाती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, मानसिक विकृति एक ऐसी विकृति को कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मूलतः स्नायु विकृति के लक्षण पाए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि मानसिक विकृति में मूलतः मनोविकृति के लक्षण पाए जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है मानसिक दुर्बलता के लक्षण पाए जाते हैं। और लास्ट ऑप्शन है सभी तरह के असामान्य व्यवहार के लक्षण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन सही होगा, क्योंकि मानसिक विकृति के अंदर जितने भी प्रकार के मानसिक असामान्य व्यवहार होते हैं
उन सभी को मानसिक विकृतियों के अंदर रखा जाता है। इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसिक विकृति के वर्गीकरण का नवीनतम पद्धति है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें लेटेस्ट मॉडल की, तो उसके अकॉर्डिंग आपका DSM-5 सबसे लेटेस्ट है। और यहाँ इस क्वेश्चन में देखें तो जो ऑप्शंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग DSM-4 सबसे लेटेस्ट वर्जन है मानसिक विकृति के वर्गीकरण का। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा। बट अगर ऑप्शन में आपके DSM-5 भी होगा तो आप DSM-5 पर टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नांकित में से किसे असामान्य व्यवहार की विशेषताओं की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें, पहला है मानसिक असंतुलन, दूसरा संवेगात्मक अपरिपक्वता, तीसरा सूझपूर्ण व्यवहार की कमी, और चौथा है याददाश्त की कमजोरी। तो अगर आप देखें तो जो असामान्य व्यवहार है उसके अंतर्गत याददाश्त की कमजोरी को सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि यह एक नॉर्मल सी बात है। किसी पर्सन का याददाश्त ज़्यादा होता है, याददाश्त ज़्यादा अच्छी होती है, किसी पर्सन की कम होती है। लेकिन जो बाकी तीनों चीज़ें हैं वो असामान्य व्यवहार से संबंधित हैं, इसीलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नांकित में से किसे मना स्नायु विकृत साइकोन्यूरोसिस का स्वतंत्र प्रकार नहीं माना जाता है। तो आप यहाँ पर देखें तो एंग्जाइटी साइकोन्यूरोसिस, कन्वर्जन हिस्टीरिया और डिप्रेसिव न्यूरोसिस, ये सभी मना स्नायु विकृत के टाइप्स हैं। लेकिन आप देखें तो जो ऑप्शन बी है इल्यूजन, यह मना स्नायु विकृति का टाइप नहीं है, तो इसीलिए आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, बंद जगहों से आयुक्ति संगत भय को कहा जाता है। यहाँ पर इरेशनल फेयर की बात की जा रही है, तो अतार्किक असंगत डर किस में होता है, फोबिया के अंदर। फोबिया में क्या होता है कि व्यक्ति के अंदर अतार्किक एवं असंगत डर उत्पन्न होता है जिसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। और यहाँ बात की जा रही है बंद जगहों से आयुक्ति संगत भय की, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही होगा, क्लस्ट्रोफोबिया। क्लस्ट्रोफोबिया के अंदर व्यक्ति को बंद जगहों से डर लगता है, वह बंद जगहों में जाना पसंद ही नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मनोवैश्लेषिक सिद्धांत या साइकोएनालिटिकल थ्योरी में दुर्भीति का दूसरा नाम क्या है। तो हम सभी को पता है कि जो साइकोएनालिटिकल थ्योरी थी उसे फ्रायड ने दिया था, और फ्रायड ने दुर्भीति का दूसरा नाम चिंता हिस्टीरिया बताया था। मतलब फ्रायड ने तो न्यूरोटिक एंग्जाइटी के बारे में बताया था, लेकिन वो संबंधित है दुर्भीति से, तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मना स्नायु विकृति के कई प्रकार हैं जिसमें से एक प्रकार ऐसा भी है जिसमें रोगी मुक्त प्रवाहित चिंता दिखलाता है। मतलब उसको फ्री फ्लोटिंग एंग्जाइटी होती है, लगातार एंग्जाइटी बनी रहती है लंबे समय तक। तो यह संबंधित है आपका एंग्जाइटी न्यूरोसिस, या जिसे हम एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी कहते हैं। और अगर थोड़ा और डीप में जाएं तो एंग्जाइटी डिसऑर्डर के अंदर जो आपका GAD होता है, जनरलाइज एंग्जाइटी डिसऑर्डर, यह उससे संबंधित है। तो आपका ऑप्शन बी यहां पर सही होगा, चिंता मना संताप या एंग्जाइटी न्यूरोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कुत्ते से आयुक्ति संगत डर को कहा जाता है। तो कुत्ते से जब व्यक्ति को असंगत अतार्किक डर होता है तो उसे हम साइनोफोबिया कहते हैं, जिसमें व्यक्ति कुत्ते को देखते ही डरने लगता है, उसके हाथ पैर से पसीने निकलने लगता है, वो एकदम परेशान हो जाता है, जबकि कुत्ता उससे 100-200 मीटर दूर हो तब भी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ लोग आंधी तूफान एवं बिजली आदि के कौंधने से आयुक्ति संगत डर दिखलाते हैं। मतलब कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जिनको अगर बिजली चमक गई तो इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि घर के अंदर अपने बिस्तर में घुस जाते हैं, या आंधी तूफान से भी उनको ऐसे ही डर लगता है। तो इस प्रकार के डर को एस्ट्राफोबिया कहा जाता है, यानी आपका जो ऑप्शन बी है वो सही होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। कुछ व्यक्तियों में बार बार साबुन से हाथ धोने की बुरी आदत होती है। इस आदत को वह स्वयं भी बुरा समझते हैं, परंतु उसके बिना उसे चैन ही नहीं आता। मतलब जब तक वो हाथ नहीं धुलते हैं तब तक उन्हें अजीब सा फीलिंग आती रहती है। उनको लगता है कि नहीं नहीं मुझे तो हाथ धुलना है। बार 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 मन में यही बात आती रहती है, और जबकि उनको भी पता रहता है कि ये चीज़ गलत है, क्योंकि उनके हाथ में गंदगी नहीं लगी हुई है। तो इस बीमारी को मनोग्रसित बाध्यता विकृति कहा जाता है। इससे संबंधित वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप देखें वहाँ पर। उसमें कंप्लीट समझाया गया है OCD को, कि OCD क्या होता है। तो आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा, मनोग्रसित बाध्यता मना स्नायु विकृति, ऑब्सेसिव कंपल्सिव न्यूरोसिस या ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइपेस्थीसिया एक लक्षण है। किसका लक्षण है? तो हाइपेस्थीसिया रूपांतरित या रूपांतर हिस्टीरिया का लक्षण है, कन्वर्जन हिस्टीरिया का लक्षण है। और इसमें क्या होता है कि इसमें पर्सन को स्किन सेंसिटिविटी उसको कम होने लगती है। मतलब उसको अपने हाथ को छूने पर या उसको कोई दूसरा पर्सन भी छूता है तो स्पर्श की जो संवेदना होती है वो धीरे धीरे उसमें कम महसूस होने लगती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, कन्वर्जन हिस्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एटासिया एवासिया विशेष मानसिक विकृति का एक क्या है? तो जो एस्टासिया एवासिया होता है यह एस्टासिया एवासिया एक तरीके से देखा जाए तो एस्टासिया में क्या होता है कि पर्सन को स्टैंडिंग मेंटेन करने में, मतलब खड़े रहने में प्रॉब्लम होती है, सीधे खड़े रहने में उसको कुछ प्रॉब्लम होने लगती है। और एवासिया में क्या होता है कि वो अपनी चाल में जब वो चलता है तो उसमें जो दोनों पैरों के बीच का कोऑर्डिनेशन रहता है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। तो एस्टासिया एवासिया एक तरीके से मोटर सिम्टम्स है, किसके? मेंटल डिसऑर्डर के ये मोटर सिम्टम्स हैं, क्योंकि इसका संबंध व्यक्ति के खड़े रहने और उसकी चाल से होती है। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, क्रियात्मक लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आत्मविस्मृति फ्यूग एक प्रमुख लक्षण है। तो यहाँ पर आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, विषादी स्नायु विकृति का, रोग भ्रमी स्नायु विकृति का, रूपांतर हिस्टीरिया का, और इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि फ्यूग का संबंध होता है डिसोसिएटिव डिसऑर्डर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। फ्राइड के अनुसार रूपांतर हिस्टीरिया का अर्थ होता है, फ्राइड के अनुसार रूपांतर हिस्टीरिया का अर्थ दमित एवं विचलित यौन ऊर्जा का दैहिक लक्षणों में रूपांतरण से होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। झंझनाहट या सनसनाने की संवेदना को, जिससे रूपांतर हिस्टीरिया के रोगी अक्सर ग्रसित होते हैं, को रखा जाता है। तो इसको रखा जाता है पायरेस्थेसिया, यानी आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। एफोनिया क्या होता है? तो एफोनिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें रोगी सिर्फ फुसफुसा कर बातचीत कर पाता है। मतलब वो एकदम धीरे धीरे फुसफुसाहट, जैसे लोग कानाफूसी करते हैं, बस उसी टाइप में वो बातचीत कर पाता है। कानाफूसी लोग इसलिए करते हैं जब कोई दूसरा पर्सन ना सुन पाए, केवल आप जिससे कहना चाह रहे हैं वही सुन पाए, तब आप करते हैं। बट जब पर्सन एफोनिया से ग्रसित रहता है तो वो इसी टाइप में ही बातचीत कर पाता है, मतलब वो केवल फुसफुसा कर ही बातचीत कर पाता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। तो आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को कवर किया। अगली वीडियो में हम फिर नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।